आज के इस वीडियो में बताएंगे कि डाइट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज किशनगंज में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसान मॉनिटर के यूट्यूब चैनल पर आएंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड ऑल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट का और सभी कॉलेज का अलग अलग तरीके से वीडियो बनाया, अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग कॉलेज के बारे में बताया और समझाया है। तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितने भी कॉलेज का बनाया है वो सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे वीडियोज़ की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी कॉलेज के अलग अलग आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। एक ही जगह पे आपको डीएलएड के जितने वीडियो मैंने बनाए सभी आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि डाइट कॉलेज किशनगंज में किस तरह डीएलएड 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राउजर में सर्च करना होगा dietkishanganj.com। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे भी इस वेबसाइट पर आएंगे सबसे पहले आपको एक चालान कटाना होगा, जिसके लिए यहाँ पे स्टेट बैंक कलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको चालान कटाना होगा, ठीक है, 100 रुपये का चालान कटना होगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, फी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फी को सिलेक्ट करेंगे छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट का फुल नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी को खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद हम कैटेगरी देंगे यहाँ पे जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप जो भी है। यहाँ पे देखिए जनरल को फर्स्ट ईयर जो 11,500 लगेगा, ईडब्ल्यूएस को 11,500, ये सब कैटेगरी को फर्स्ट ईयर में इतने रुपए लगेंगे। देख लीजिए 10,000 लगता है पर ईयर में, यहाँ पे 11,500 लग रहे हैं, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में उतना कम कर दिया जाए। जितना आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लिया जाता है सेकेंड ईयर में उतना कम कर दिया है। हर ईयर में 10,000 गवर्नमेंट की चार्ज है, तो 10,000 के बदले यहाँ पे ये आपसे फर्स्ट ईयर में भी 11,500 ले रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको ये चार्ज 8,500 कर देते हैं। यानी कि जो 1500 आपसे ज़्यादा ले रहे थे फर्स्ट ईयर में, वो आपको सेकेंड ईयर में उतना कम ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल फी है, हॉस्टल फी को सेलेक्ट करेंगे। हॉस्टल फी भी आपको 4,000 लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हॉस्टल फी पेमेंट नहीं करना, बल्कि अभी सिर्फ एडमिशन फ़ी जो 100 है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे वो डिटेल जो मैंने पीछे फिलअप किया वो सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते। टोटल अमाउंट में 100 रुपये यानी कि 100 रुपये ही है, आपको पेमेंट जो वो 100 रुपये ही करना होगा। उसके लिए कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किससे पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेट बैंकिंग, कार्ड से, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर यूपीआई के पे क्लिक है, पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बीपीए एड्रेस से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने फ़ोनपे या गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा आपको रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया जाएगा। उस रिसिप्ट पे आपको DU रेफरेंस नंबर रहेगा, उसी रेफरेंस नंबर से आपका आगे का प्रोसेस होने वाला है। इस तरह आपने चालान कटा लिया। चालान कटाने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई फॉर DLED पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स में कंडीशन देगी, दिशा निर्देश, कैसे क्या करना होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ जितना सेलेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किस कैटेगरी से आप आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप हैंडीकैप, विकलांग वगैरह हैं तो यस या नो सेलेक्ट करेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पे लास्ट पासड एग्जाम जो आप कहाँ तक लास्ट हाईएस्ट पढ़े हुए हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ये इंटरमीडिएट है ये मार्क विशेष पर था या परसेंट विशेष था या पॉइंट, तो परसेंट बिहार बोर्ड परसेंट होता है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। ये इंटर में कितने परसेंट आपको आया वो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद सबमिट करेंगे, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई फॉर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अप्लाई साइंस से करेंगे या आर्ट से वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपने धर्म देंगे, आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जो भी धर्म से आते हैं। अगर मुस्लिम है तो आप यहाँ पे इस्लाम लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम अंग्रेज़ी में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल इनपुट टूल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फादर्स या हस्बैंड का फुल नेम, मदर का फुल नेम अंग्रेज़ी में। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल।
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी जो आपने पीछे फिलअप किया था, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे या अपना आधार नंबर देंगे, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डिटेल, लेटेस्ट एग्ज़ाम की डिटेल आपने पीछे फिलअप किया था वो दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना होगा, विलेज, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, भाया, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम अस परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये दोनों बॉक्स में एक एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, क्या उर्दू कैटेगरी से आप आ रहे हैं, यस या नो। अगर उर्दू कैटेगरी से आ रहे हैं तो यस करेंगे, जैसे कि उर्दू बोर्ड से अगर आपने किया है इंटर तो वो देंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेंथ जो कि वो किस बोर्ड से किए वो बोर्ड का नाम देंगे, किस स्कूल से किए उस स्कूल का नाम देंगे, कितना मार्क आया वो देंगे, यहाँ पे कितना मार्क का एग्ज़ाम था वो देंगे, कितना परसेंट आपको आया वो देंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपके क्या, किस साल आपने ये टेंथ को पास किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क और जितना मार्क है वो देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ परसेंट आ जाएगा, पासिंग ईयर देंगे। इसी तरह ट्वेल्थ को भी देंगे, ट्वेल्थ की भी बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, कितना मार्क आया, कितना का परीक्षा था, और परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा कब आपने पास किया। इंटर मैट्रिक की डिटेल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए SBI कलेक्ट रिफरेंस नंबर, जो आपने चालान कटाएगा, पेमेंट कटाने के बाद आपको रिसिप्ट जो मिलता है वो रिसिप्ट में एक रिफरेंस नंबर रहता है, वो रिफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको देना अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी, उसके बाद सिग्नेचर इंग्लिश, सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ के मैट्रिक मार्कशीट अपलोड करना होगा। याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा सभी 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि सेल्फ अटैच होना चाहिए, ठीक है, सभी दस्तावेज पे सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सभी पे अभी 100 प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, रिलीजन सर्टिफिकेट अपलोड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, मतलब निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद अदर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल देंगे। यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सभी की साइज 150 KB से कम होनी चाहिए, ये सारी डिटेल देने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका आवेदन सक्सेसफुली डाइट किशनगंज में DLA 2022 के लिए आवेदन हो चुका है।